नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। वह चिड़िया है जो, ये चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे आज आपको। चैप्टर तो पहले पढ़ा दिया है ना, क्वेश्चन आंसर नहीं कराए। वेरी गुड, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। देखो सबसे पहला है, पहला एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, वो चिड़िया का चित्र बनाने वाला है, है ना। तो चिड़िया का आपको एक चित्र बनाना है कि वर्ड्स कैसे होते हैं, पक्षियों का एक कोई चित्र बना देना आपको, तो है ना। चिड़िया होती है उसका एक पक्षी का चित्र बनाना है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे। उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखना है, यानी कि इसका कोई दूसरा नाम, चैप्टर का नाम है वह चिड़िया है, यदि इसी चैप्टर का नाम कोई दूसरा रखना चाहे तो आप क्या रखोगे। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे रख सकते हैं, छोटी चिड़िया रख सकते हैं, नीले पंखों वाली चिड़िया रख सकते हैं, है कि नहीं है। वेरी गुड, तो छोटी चिड़िया भी रख सकते हैं हम लोग और नीले पंखों वाली चिड़िया भी रख सकते हैं। ये दोनों नाम रख सकते हैं, छोटी चिड़िया और नीले पंखों वाली चिड़िया, है कि नहीं। नंबर तीन देखो क्वेश्चन को, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, यानी कि हमें ये बताना है कि चिड़िया को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं जिनसे उसको प्यार है। अच्छा, चिड़िया को, आंसर देखते हैं, चिड़िया को अन्न से, अन्न होता है ना अनाज, उससे प्यार है ना। किससे चिड़िया को अन्न से प्यार है, जंगल से, जिस नदी में वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे भी उसको प्यार है, यानी कि उसको जंगल से प्यार है, अन्न से प्यार है, और कहाँ से प्यार है, नदियों में जो ठंडा पानी होता है उससे भी उसको प्यार है ना। ठंडे पानी से भी उसको प्यार है, मीठे नदियों से, नदियों में जो मीठा पानी होता है उससे भी उसको प्यार है, अन्न से, जंगल से और मीठे पानी से उसको प्यार है। कवि ने चिड़ियों को छोटी, संतोषी, मुँह बोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है, कवि है ना, उसने उसको छोटी चिड़िया क्यों कहा है, संतोषी क्यों कहा है, मुँह बोली क्यों कहा है और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है। चलो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर देखो। वह चिड़िया, क्या चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है, है कि नहीं है। चिड़िया छोटी सी होती है इसलिए उसने, कवि को ने उसको क्या कहा है, छोटी चिड़िया कहा है। वह अन्न के दाने से भी में भी संतुष्ट है, और वह अन्न के दाने में भी क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। एक छोटा सा दाना होता है अन्न का, उससे भी वो संतुष्ट हो जाती है, इसलिए उसको संतोषी चिड़िया भी कहा गया है ना। वह सारी बातों को बोल देती है इसलिए वह मुँह बोली कहा गया है, यानी कि उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, वो सारी बातों को बता देती है, इसलिए उसको क्या कहा है, मुँह बोली चिड़िया बोला गया है। वह छोटी होते हुए भी नदी में पानी पीने का साहसी काम करती है, यानी कि बहती हुई नदी कितनी बड़ी होती है ना, उसमें भी वो पानी पीने का काम करती है, इसलिए उसको कहा गया है, गर्वीली चिड़िया कहा गया है। उसको कितना साहस दिखाती है उस पानी को पीने के लिए, इसलिए उसको क्या कहा है, गर्वीली चिड़िया कहा गया है। अच्छा, आशय स्पष्ट करना है अब इसका, है ना। रस उडेलकर गा लेती है, यानी कि रस उडेलकर गा लेती है, तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है, चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उडेल दिया है, यानी कि जब चिड़िया जब चहचाने लगती हैं तो उनका गाने जैसा स्वर बन जाता है और इतना प्यारा लगता है ना। तो इस तरीके से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सारा रस उसी गाने में उडेल लिया है ना, ये इसका अर्थ हो गया। चिड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है ना, ये है ना, जब नदी चढ़ जाती है, जब बारिश हो रही होती है, नदी फुल होती है, तो उसके दिल को भी मैं जब उड़ती रहती है और वहाँ से भी वो पानी पीने का साहस कर लेती है, इसलिए इसको साहसी कहा जाता है, और उसके मोती रूपी पानी को भी अपनी चूँच में ले जाती है और पी जाती है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, और ये अपने चैप्टर के अनुमान लगाने वाले हैं, ये व्याकरण के क्वेश्चन हैं, इनको हमें नहीं करना है ना। तो अभी हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर उसके फिनिश हो गए हैं। आपको क्या करना है ना, इसके क्वेश्चन आंसरों को आपको फेयर भी करना है ना। अभी आपकी क्लासें आगे स्टार्ट हो जाएंगी जुलाई में ना, जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, जो आज की डेट में फिफ्थ क्लास में हैं, अभी वो जुलाई में से, क्या अप्रैल से ही, आज तो मई चल रही है,
लेकिन अप्रैल से ही वो फिफ्थ क्लास में पहुँच सिक्स क्लास में पहुँच गए हैं, तो उनकी क्लासें भी प्रमोट हो गई हैं, तो इस क्लास का वीडियो भी उनके लिए बहुत काम की चीज़ें है। तो इसे ज़रूरतमंद लोगों को भी आगे फॉरवर्ड करते रहें, जिन लोगों के पास किताब नहीं है उनको पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका है ये, इसके माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। और इस सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो और भी बना सकते हैं। यदि इस वीडियो में किसी को कोई कमी भी नज़र आती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो मुझे, है ना, तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। वेरी गुड बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, थैंक यू। घर पर रहें, मास्क का यूज करें और हैंडों को सैनिटाइज करते रहें बच्चों। थैंक यू।